हे गाइस, वेलकम बैक टू इंडियन कोडिंग डॉट कॉम। आई होप प्रीवियस सारे लेक्चर्स आप सबको समझ आए होंगे और आपने प्रैक्टिस भी की होगी। तो आज के लेक्चर में हम सीएसएस के बटन्स के बारे में देखने जा रहे हैं कि बटन क्या होते हैं, कैसे हम स्टाइल कर सकते हैं। तो बटन लिख देंगे यहाँ, बटन्स, कंट्रोल एस से सेव करेंगे। बटन एक इनपुट टैग की तरह होता है, इनपुट की तरह यूज होता है। तो यहाँ मैं पहले बटन बना दूंगा, बटन वन, कंट्रोल एस से सेव, इसकी आईडी दे दूंगा btn1। btn का मतलब बटन वन लिख दिया मैंने शॉर्ट फॉर्म में। अब यहाँ एक स्टाइल टैग दे दूंगा, स्टाइल फर्स्ट टैग btn1, कंट्रोल एस से सेव। पहले आपको दिखा देता हूँ btn कैसा बटन लग कैसा रहा है, तो देख सकते हैं अभी ऐसा है। तो स्टाइल हम इसको करेंगे, बैकग्राउंड कलर हम इसका कर देंगे लाइट ग्रीन, ग्रीन। कलर कर देंगे इसके टेक्स्ट का व्हाइट। पैडिंग कर देंगे 15 पिक्सल, 32 पिक्सल। बॉर्डर का ऐसा अपना कोई अलग स्टाइल नहीं होता, बाकी सारे एलिमेंट्स इसमें लगते हैं। टेक्स्ट अलाइन कर देंगे सेंटर, फॉन्ट साइज कर देंगे 2em, 2em मैंने em बताया था क्या होता है, पहले वाले से डबल मतलब। तो ब्राउजर में जाएंगे, रिफ्रेश करेंगे, देख सकते हैं कैसा लग रहा है बटन, पहले से तो बहुत अच्छा लग रहा है। मैं कुछ और इसमें करता हूँ, बॉर्डर नन कर देंगे। वापिस ब्राउजर में जाता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, अब थोड़ा ज्यादा अच्छा लग रहा है। एंड डिस्प्ले कर देंगे इनलाइन ब्लॉक, कंट्रोल एस से। ये थोड़ा ज्यादा हो गया 2 em, 1.5 em कर देते हैं, कंट्रोल एस से ब्राउजर में। ये देखिए अब थोड़ा ठीक लग रहा है। और हैशटैग btn1 ओवर पे कर देते हैं, बैकग्राउंड कलर ग्रीन और फॉन्ट साइज थोड़ा इसका बड़ा कर देते हैं। फॉन्ट साइज कर देंगे 1.7 em, कंट्रोल एस से ब्राउजर में जाते हैं, रिफ्रेश करते हैं। अब होवर करेंगे तो देख सकते हैं, होवर करने पे बैकग्राउंड ग्रीन हो रहा है, साइज बिगर हो रहा है। बॉर्डर रेडियस दे देते हैं, बॉर्डर इसके राउंड करने के लिए बॉर्डर रेडियस लेना पड़ेगा, बॉर्डर रेडियस 4 पिक्सल, कंट्रोल एस से सेव, ब्राउजर में जाएंगे, रिफ्रेश करेंगे। तो देखिए बॉर्डर रेडियस पे आ गया, देख सकते हैं साइड पे राउंड है। और हम कलर कोई भी दे सकते हैं, साइज आप अपने हिसाब से फॉन्ट का बदल लेंगे तो उसका बटन का साइज भी बदल जाएगा। राउंड करने के लिए बटन को हम बॉर्डर रेडियस को 50% कर देंगे, 50%, कंट्रोल एस से ब्राउजर में जाएंगे, रिफ्रेश करेंगे, अब राउंड हो गया, देख सकते हैं। हम कलर बटन, बैकग्राउंड कलर ट्रांसपेरेंट करके हम और भी स्टाइलिश बटन बना सकते हैं, शेडो भी लगा सकते हैं हम बटन बॉर्डर पे, बटन के बॉर्डर पे। सो दैट्स इट फॉर टुडे। हम डिसेबल्ड बटन में आपको बता देता हूँ, बटन को डिसेबल कैसे करना, डॉट डिसेबल्ड लिख देंगे हम तो बटन डिसेबल्ड हो जाता है। कर्सर नॉट अलाउड लिख देते हैं, कर्सर नॉट अलाउड, तो अब बटन क्या होगा, डिसेबल्ड हो जाएगा। दिखाता हूँ ब्राउज़र में रिफ्रेश, ये देखिए कुछ होगा ही नहीं, ऐसे हो गया कर्सर, हम क्लिक नहीं कर पाएंगे। इसको अभी कमेंट आउट कर देता हूँ, अभी हमें ऐसा नहीं करना। बटन हम इमेज के ऊपर भी लगा सकते हैं, एनिमेशन भी इसमें यूज कर सकते हैं। इनफैक्ट जो हमने स्टाइल अभी तक सारे पढ़े हैं सब कुछ हम बटन में यूज कर सकते हैं। सो बटन का स्टाइलिंग ऐसा कुछ मुश्किल नहीं है, आप कर ही पाएंगे सब, आप ट्राई कीजिए डिफरेंट स्टाइलिंग। एंड दैट्स इट फॉर दिस लेक्चर। आई होप यू गॉट ऑल द पॉइंट्स आई एक्सप्लेन्ड अबाउट बटन स्टाइलिंग। स्टिल इन केस ऑफ एनी डाउट और क्वेरी यू कैन पुट दैट इन Q&A सेक्शन। थैंक यू।